ਵੀ ਸਦਰੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਵ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਤੱਕ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭੀ ਕੋ ਸਾਂਗ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕੋ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ ਕੋ ਹਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रेमी सज्जनों, आज का शाम आप लोगों के सामने वीर विक्रमाजीत खांडेराव परी ओ चूड़ी जोखल की हाथों में, चूड़ी जोखल की हाथों में याद किए देवता से अनबन हो जाती है। वरुण देवता ने उनको 12 साल का निश्चयता दे, दिया। वो हंस वहां चल पड़ते हैं, वहां से और कहां आ जाते हैं, उज्जैन शहर नगरी जहां की राजा वीर विक्रमा जी यही से ये शांत की प्रस्तुति आप लोगों के सामने है। एक बार जोर से प्रेम से श्रद्धा से सभी ने हांगा लगा के गौ माता का जयकारा लगाना है। श्री गौ माता की महाराज की जो भाई तू बहुत पछता नहीं बोलता बोलू आगे गए हूँ सांस ले उतारे तू किस तरीके सांस अपने हटावे दूसरे के किसके लू था भाई जय बोलो आंगा लगाओ जय में स्वाद नहीं आया और जय ना बोलते जो को जय नहीं बोलेगा वह बात कौन सी वो अपनी बहू का बेटा और जिसके बहू ना हो तो जो किसी का बहू ना हो फिर वो मेरा छोरा आयो इमोर्टल होगा देख लियो इसका ना बढ़िया भाई बहुत गुंडा है नीरन गुंडा नू पदार्थ पूरे के पूरे वो हंस सर के वहां से और मारी के पास आ जाते हैं। मारी से क्या बातें करते हैं मासे जी? हाँ जी सांग शुरू करने से पहले बोली तो करवा लो। अच्छा अच्छा हमारे जमते जमते ये बापोरा न करे चूकी चूकी के बाग में आ जाते हैं और मारी से मिलते क्या बातें होती है तो एक लाठी दियो भाई साहब राम राम भाई हो अरे हो झगड़ा हुआ है हां हां झगड़े में 12 साल का निशोटा दे दिया है कोई ऐसी जगह देखो जहां पे हमारा 12 साल का निशोटा खुला हो जाए। भाई हमने राजा वीर विक्रमाजीत का नाम सुन रखा है जो मित्रों के रहने वाले हैं चलिए चलिए उनके पास उनके पास चलते हैं चलो छोटा काम करा दे।
यहाँ के महाराज। मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ, मैं हूँ मेरा पथुआ पाठ। वो क्या होता है? मारी ओ मारी साहब ब्रा ब्रा ऐसा ब्रा ब्रा यहाँ के महाराज कौन है? इंग्लिश में शनि भी कहते हैं, जो दान पुण्य करते हैं वो होते हैं शनि। अच्छा, जो कुछ भी नहीं करते वो मारी का भाई होता है। यहाँ के महाराज कौन है? देखिए यहाँ के जो महाराज है वो महाराज वीर कमाल भाई। ऐसा है, हम आपके महाराज से मिलना चाहते हैं, हमें महाराज के दर्शन करवा दो। दर्शन करो भाई, एक मिनट। क्या कर रहे हो? अरे 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 ये क्या कर रहा भाई? है नहीं नहीं, ये तो मैं अपने कपड़े ठीक करा हूँ। वैसे महाराज तो महलों में, ओहो बागों में पानी भरा हुआ है। हाँ पानी भरा हुआ, रास्ते में जाना है ना। अच्छा, बड़े समझदार मारिए भाई। जाओ महाराज से कहो कि बगीचे में हाथ आए हुए आपसे मिलना चाहते हैं। 50 ब्रह्मंस आए। ठीक है, आप इतने ऊपर बैठ जाओ, मैं जाता हूँ। ठीक है, हेलो महाराज। राम 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 महाराज। हाँ जी राम राम भाई, राम राम। हाँ जी प्रभु, कैसे आए भाई? बगीचे को छोड़ के कैसे आए आप महाराज? आपके बगीचे के अंदर अच्छा बहुत सुंदर जिनावर आ रहे। जिनावर गरना दरिया है, गरना दरिया उनको बाहर काट भरे। अजी वो अपने आप को बता रहे थे क्या? गरम हंस। अरे गरम हंस नहीं होते, और परम हंस होते हैं। अजी वह थे। अरे वो तो बहुत आपसे मिलना चाहते हैं, जो आप कहते हो तो मैं ले लूं अंदर। अंदर? अरे बुला लिया उनको। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ अंदर ले। हाँ बुला कर लिया उनके, हम भी दर्शन करना चाहते हैं भाई। ओए जिनावर, ओए जिनावर नहीं परम हंस। आप हंस? हंस आप हंस? जी हाँ हंस। आप हंस नहीं, ये सब हंस हैं। हाँ ये हंस हैं। फिर ये बीच में बाघ घुसा रखा है। नहीं तो लाइन बनाओ और मेरे पीछे आओ। चलो इधर आओ। चलो लाइन तोड़ दी तो दिखता है। क्या करोगे? बैठाएगा। महाराज हाँ ये आगे आगे महाराज प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहो ना अशोक कैसे आए भाई? ये महाराज हमारा मान सोट आपसे झगड़ा हुआ है। अच्छा, झगड़े में हमारे को 12 साल का निशोटा दे दिया है, इसलिए आपके पास 12 साल का निशोटा बिताने के लिए आए हैं। आपका नाम सुन करके आए हैं, आपकी पढ़ाई सुन करके आए महाराज। 12 साल का दिसोटा दे दिया भाई, खाती क्या हो तुम? अनबिन मोती। अनबिन मोती जी। और एक की कितनी खुराक है? पाया मोती। पाया 100 कितने? 50। हर महाराज आपकी कितनी है खुराक? पाया मोती। और आपकी? 300 ग्राम। अरे ये बच्चे, ये बच्चों की मैं बताऊंगा क्या, ये खाते पीते कुछ भी नहीं है और ये तो खाली चाटते हैं। हमारी बात सुनिए महाराज। भाई अंशो देखो, इतना बड़ा खर्चा हम नहीं उठा सकते महाराज। महाराज ये कहते हैं कि राजा के मोतियों का तोड़ा नहीं होता। आप ठहराओ या ना ठहराओ, इनके दुख दर्द हमारे दुख सुख की जरूरत पूछ रहे महाराज। सुनो दुखी भी हो हेलो ऊपर तरह चिकने चुपड़े दिखो, अगर भीतर तरह आ रही है।
ये जाने हम इस दुनिया में कैसी किस्मत लेकर आए हैं, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं। मर जाएंगे।
मारेगा हमने अनबिन मोती खाते खाते तो अनबिन मोती हो पीते हैं अमृत अमृत हाँ हमारे तो तगड़ी चीज पीते हो तो क्या घर जाना पड़ेगा हमने महाराज इनको डाल कितने बारह नंबर पानी बारह नंबर पानी कैसे में डट जो और आजोड़ का रिक्वेस्ट है क्या बीच पर सफेदी करवा रखी है बीट बाट ना करती हो नहीं बाहर जाते बगीचा है ये बगीचा है बड़ा खूबसूरत बगीचा है अजी कमाल आपने कौन कौन से फलों के पेड़ लगा रखे हैं कमाल की बात है ये देखो ये अंगूर की बेल है अरे अंगूर तो एक भी लगा अजी कमाल की बात करो हो क्या? आप ऊपर पत्ते में हाथ मारे हो नीचे मारो गुच्छे गुच्छे पाएंगे ये देखो किन्नू है किन्नू कहाँ किन्नू अजी किन्नू नहीं दिखे क्या कहाँ किन्नू किन्नू नहीं दिख रहा आपको ये जो किन्नू है इसके अंदर तो बीच बीच बच रहे रस का तो भोरा भी नहीं है ठीक है जी हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे आपकी इजाजत के बगैर तू जाते कोई सभी जगह बराबर बोलेगा प्रेमी सजनों हंसों को रहती शक्ति 11 साल और 11 महीने हो जाते हैं अब हंस राजा के पास आते हैं और क्या कहते हैं अरे भाई हमसो हमें दो रहते 11 साल और 11 महीने बीत चुके हैं एक महीना बाकी है उसको रास्ते में बता लेंगे चलो महाराज महाराज चलने की इजाजत लेते हैं अरे माड़ी साहब राम राम भाई राम राम जी राम राम अरे माड़ी साहब जी जी हमें फिर से महाराज से मिलवा दो महाराज से मिलना चाहते हैं दोबारा फिर मतलब बेटा नहीं घर तक मिल गए नहीं भाई अच्छा मिलवाने पड़ोगे थारी सेवा में कोई कमी तो नहीं अरे नहीं अरे नहीं महाराज से तेरी पढ़ाई करके तनख्वाह और बढ़वा देंगे मेरी तनख्वाह ऐसा काम ना करियो तो मेरी घटवा के जाते हो अरे नहीं यार जाओ महाराज प्रणाम प्रणाम महाराज हाँ आज आपसे फिर वो मिलना चाहते हैं हाँ जी क्यों ये तो वही बताऊंगा मैंने के बुला कर ले आऊंगा महाराज प्रणाम महाराज आप क्या रहती सहती 11 साल 11 महीने हो चुके हैं एक महीना बाकी है वो हमारा रास्ते में लग जाएगा हम अपने वतन को लौटना चाहते हैं अरे अभी तो हमारा जी रह गया था अभी तो मैं चलने की तैयारी कर रही महाराज मारे भैया एक कमी है तुम जी ला के अगर तो पैदा महाराज तो भाई तेरी सेवा पानी में कोई कसर तो नहीं रहेगी सेवा में कमी कोई नहीं पानी की कमी है पानी होते तो महाराज ये तो इसे है इनमें तो डाटो में तो रख दी जाने पर ये तो इसी है चूचू जी लागे था चूचू पाशा थे तो भाई जाना चाहते हो और हमसे क्या कहना चाहते हो जाते जाते एक बात कहना चाहते हैं महाराज हमारी बात सुनिए
चार वेद के मालिक, छह शास्त्रों के मालिक, पार्टी पर खुश होकर के 500 हम आपका एहसान कहाँ चुकाएंगे महाराज? कहाँ चुकाएंगे? कहाँ चुकाएंगे? सुनिए महाराज, ये इनकी अंतिम प्रणाम है, अंतिम
भाई देखो तुम जा रहे हो जी महाराज, लेकिन हमारी सही पर भी बढ़ाई करते हुए नहीं जाना है महाराज। हम आपका बदला कहाँ चुकाएंगे और आपका एहसान कहाँ भूलेंगे महाराज। हम आपका कैसे भूलेंगे। विद्वान अगर है तो इस हंसिनी को चुका ले जाएगा। एक हंस राजा के पास में वापिस आते हैं और क्या कहते हैं,
नवीन फोटोग्राफर अपने इस भाई को 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, इस रागिनी पर खुश होकर और जिन्होंने 10-10 100-100 50-50 दिए उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। ये लगता मैंने देखो है अपना प्रश्न संभालो। अगर मैं तुम्हारी अंसड़ी को लाज क्या तो
वापिस आऊंगा नहीं तो राजपाट तुम्हारा। महाराज जल्दी ला दियो। 6 महीने लगेंगे भाई। कितने दिन? 6 महीने। कमाल की बात करे चाचा का सीजन निकले। ये रविदत्त पंडित 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बुजुर्ग अपने बच्चे का 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। भाई एक गाना सुना दो। उज्जैन शहर से चलकर आप पहुंचते हैं तांबोल नगरी, यहाँ के राजा श्याम धाम अतिथि और भटियारी की शरा देखते हैं। जब भटियारी की शरा में गए तो भटियारी अपने लड़के को ननान लाग रही, अच्छे अच्छे पकवान बनाने लाग रही, रोन लाग रही। क्या कह रही थी, क्या बताया? हाँ बेटा, हाँ माता जी, आज मैं तुझे अपने हाथों से नहलाती हूँ और अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। और बेटे मेरी बात सुनिए। हाँ माता जी, आप क्यों रोती हो? अरे तेरे क्या बताऊं, मेरी बात सुनिए बेटा। सुनाइए।
ये हमारा आदरणीय सुनील शर्मा कमांडर आप लोगों के बीच में पधारे हैं। जय हो सुनील सर। ये कमांडर साहब सुनो, सुना करो भाई, सुना करो। कमांडर साहब, इस अपने भाई को, इस पार्टी को 2100 रुपए से मान सम्मान करते हैं हम, इनका बार बार धन्यवाद। प्रेमी सजनों, वो अपने भटियारी अपने बच्चे को गोद में लेकर रोन लाग रही, विलाप करती है, और राजा वीर विक्रमाजीत उससे पूछते हैं कि क्यों रोवे हैं, क्या बात होगी, क्या दुख है। अरे भटियारी, अरे भाई, आए, हाँ, एक बात बता। हाँ भाई। तो अपने बच्चे ने नहलान लाग रही, हाँ, अच्छे अच्छे पकवान बनाने लाग रही, हाँ, और फिर रोन लाग रही, के कारण है। अरे भाई, तेरे के बताऊं, मेरे दुख में तो क्या तो मैं जानूं, ये भगवान जाने, तेरे के बताऊं भाई, तू के दुख दूर करेगा मेरे। सुन मेरी बात, क्या पूछना चाहता है? ये रोवण आई, ये रे क्यों रोवे, चोराने
क्या दुख है? किसी कसूती किसी ने कसूती रची छिया की एक तिरलती प्यारे की के तिरसंग में वो हील डाली सापत भाई
इस भाई को 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हम बार बार धन्यवाद।